हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टैक्स ईआर। मैं सनी तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे मोटो G60 की और डिटेल्स में इसके बारे में जानेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या नए फीचर्स हैं। तो सबसे पहले, जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो पहले सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए घंटा दबाना ना भूलें। और बैठे ही रहिए, कहीं मत जाइए, घर में ही रहिए, बाहर कोरोना चल रहा है, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डिस्प्ले से। इसकी डिस्प्ले फुल एचडी प्लस आईपीएस के साथ आती है। इसका ये जो साइज है 6.78 इंचेस का है। इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसमें 396 पिक्सल डेंसिटी देखने को मिलती है आपको, और एचडीआर 10 का भी सपोर्ट है इसमें। लेकिन अगर मैं बात करूं अदर कंपनीज के अकॉर्डिंग जो प्राइस रेंज इसने दे रखी है 17999, उसमें हमें एमोलेड डिस्प्ले भी देखने को मिलती है। तो अगर ये एमोलेड डिस्प्ले भी हमें प्रोवाइड करा देता इस रेंज में तो आई थिंक इससे बेस्ट फोन नहीं था अभी तक का। इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G देखने को आपको मिलेगा। ये एंड्रॉइड वर्जन 11 के साथ आता है। मोटो G60 आपको सिंगल वेरिएंट में देखने को मिलेगा जो कि 6128 है। अगर हम बात करें रैम की तो LDDR4X रैम देखने को मिलती है आपको, और स्टोरेज में अगर हम बात करें तो ये UMCP की स्टोरेज के साथ आता है जिसको कि UFS 2.1 या 2.2 के इक्वल माना गया है। इसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है जिसमें आप या तो दो सिम एक साथ यूज़ कर सकते हो या फिर सिंगल सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके कैमरा की। मुझे इसका कैमरा सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा है अभी तक का, क्योंकि ये ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आता है। लेकिन ट्रिपल है लेकिन भाई ये चार कैमरे का काम करता है, ये क्वाड कैमरा सेटअप की तरह ये यूज़ होता है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट कैमरे की इसकी, तो ये 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है जिसके साथ हम 8 मेगापिक्सल के मैक्रो शॉट्स भी ले सकते हैं। जी हाँ, इस वजह से इसको मैंने आपको क्वाड कैमरे की तरह यूज़ करने के लिए बताया था कि इस तरीके से कर सकते हैं। अगर बात करें हम सेकंड कैमरे की, जो कि मेन कैमरा है, वो 108 मेगापिक्सल के साथ आता है, और जो थर्ड है वो 2 मेगापिक्सल डेप्थ के साथ आता है। अब हम बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरा की, जो कि 32 मेगापिक्सल के साथ आता है, और फ्रंट पर आपको यहाँ पे एक फ्लैश लाइट देखने को भी मिलती है। अब हम बात करेंगे इसके वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन की। तो वीडियो रिकॉर्डिंग मुझे इससे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, क्योंकि आप बैक कैमरे से 4K वीडियोज़ रिकॉर्ड कर सकते हो, वो भी 120 और 30 FPS पर। लेकिन वहीं बात करें फ्रंट की, तो फ्रंट में आप सिर्फ 4K वीडियोज़ रिकॉर्ड करोगे 30 FPS पर। तो फुल एचडी वीडियोस आप जो बैक से अगर रिकॉर्ड करोगे तो वो 240, 60 और 30 FPS पर रिकॉर्ड कर सकते हो इससे। लेकिन वहीं फ्रंट से भी आपका सेम ही है, मतलब आप फ्रंट कैमरे से भी 240, 30 और 60 पर ही करोगे। और अगर बात की जाए इसके HD वीडियो रिकॉर्डिंग पर, तो HD वीडियो रिकॉर्डिंग जो 360 FPS पर आप बैक से और फ्रंट से दोनों से रिकॉर्ड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इसके सिक्योरिटी की। तो सिक्योरिटी में ये आपको देता है अपना फेस अनलॉक फीचर, और साथ ही में देता है आपको फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट आपको इसका बैक पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मोटोरोला ने G60 के साथ ही अपना एक और फ़ोन है G40 जो कि उन्होंने लॉन्च किया है। ये दोनों देखने में सेम है, कोई भी ज़्यादा डिफरेंस है नहीं इसमें। बस जो मोटो G40 है वो कम वेरिएंट में भी आता है, जैसे कि 464 में ये 13999 का आएगा, और जो 6128 है जो कि आपको 15999 का मिलता है। इसके अगर मेन डिफरेंस की बात करें तो सिर्फ कैमरे को लेकर है। तो आपको मोटो G60 में 108 मेगापिक्सल का जो कैमरा था वो आपको मोटो G40 में 64 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, और जहां पर आपको सेल्फी मोटो G60 में 32 मेगापिक्सल की देखने को मिलती थी वहीं पर आपको G40 में 16 मेगापिक्सल की देखने को मिलती है। ये बेसिकली सिर्फ हम जैसे गरीबों के लिए बनाया गया है जो कि ज़्यादा हाई प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसके हिसाब से इन्होंने लो वेरियंट बनाए हैं, तो चाहें तो हम उनको भी ले सकते हैं। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर कुछ टॉपिक इसमें कवर नहीं हो पाए हो या कुछ चीज़ें इसमें रह गई हो तो प्लीज़ आप मुझे बताना। और नेक्स्ट वीडियो आप किस पर देखना चाहते हैं, किस फोन के रिगार्डिंग आप देखना चाहते हो, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को पूरी तरीके से फैला दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और घंटा ज़रूर दबाना। चलिए, बाय।